और कोई तो बीमार नहीं है अभी? ओरछा थाने के कन्हई गांव में जहरीली चाय पीने से आज 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 गंभीर हैं जिनको सैफई रेफर किया गया है। पृष्ठभूमि यह है कि रामोती नाम की एक महिला जो चाय बना रही थी, भूलवश धान में डालने वाली दवा चाय पत्ती समझ करके उसने डाल दिया, जिसको 5 लोगों ने पिया था, जिसमें रामोती के पिता रविंद्र की मौत हो गई, उसके 2 बच्चों की जो 7 साल और 4 साल के हैं उनकी मृत्यु हो गई, और रामोती के पिता शिवनंदन और एक फिरोजाबाद से आए हुए रिश्तेदार सोबरन, ये 2 लोगों को गंभीर स्थिति में यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया, जहाँ से सैफई रेफर किया गया है, इलाज चल रहा है। इस संबंध में फोरेंसिक टीम भी मौके पर है, उस पदार्थ को कब्जे में लिया जा रहा है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, सो देख के चले गए तो मेरे बाप की हालत भाई मैं ललाकी समय बेल लले लेके बजरी हम सब पे बहन ने चाय बनाए तो मेरे बाप में कम मतलब ऐसे गोड़ और टूटन लगे तो हमें पता नहीं कहाँ है वो चाय में ही कछु है। मैं मोहम्मद से जाए नहीं करी चाय में कछु है गए तो चाय में ही कछु है वो मेरे उन्हें पूछी तो बताया किसने किसने चाय बनाई थी? हमारी बहन ने मधु ने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कौन कौन किस किस ने चाय पी है? तेवांग के दिव्यांश और रविंद्र, 3 लोगों ने। और कोई तो बीमार नहीं है अभी? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।